मौसम विभाग ने एक बार फिर उत्तर भारत में लू का अलर्ट जारी किया है। इस बीच कई राज्यों में बारिश के भी आसार हैं। ताज़ा पूर्वानुमान में कहा गया है कि इस बार मानसून 31 मई तक केरल में पहुंच जाएगा। दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी बारिश अच्छी हो रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और यूपी के लिए गंभीर हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है। चंडीगढ़ में अब तक का सबसे अधिक 44.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। केंद्र सरकार कृषि उपज की बिक्री दूसरे राज्यों में करने के लिए कृषि कानून को और सरल कर सकती है। इससे घर बैठे किसानों को अपनी फसल ऑनलाइन बिक्री करने की सुविधा मिल सकेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक अंतर राज्य व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए शुल्क सहित रूल्स रेगुलेशन तैयार करने के लिए एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है। इससे सरकार के ई नाम प्लेटफॉर्म के जरिए लेन देन बढ़ाने में मदद मिल सकती है, क्योंकि इस तक पहुंच रखने वाला कोई भी व्यक्ति खरीद और बिक्री कर सकेगा। सरकार चाहती है कि किसान अपनी मेहनत से हासिल उपज के बदले अच्छी कीमत पाने के लिए कृषि मंडियों यानी कि APMC पर निर्भर ना रहे। पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त अब जारी होने वाली है। इसके पहले केंद्रीय कृषि मंत्रालय के आधिकारिक प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर इंडिया ने एक वीडियो जारी कर लाभार्थियों से 5 कार्य जरूर कर लेने की सलाह दी है, जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने के लिए वीडियो में दिए गए 5 जरूरी काम को पूरा कर इस सुविधा के लिए आवेदन कर सकते हैं। पीएम किसान पोर्टल के अनुसार हर 4 महीने में यानी हर साल 3 किश्तों में सरकार किसानों को 6,000 रुपये देती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने के लिए बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करवाएं, सही जमीनी दस्तावेज अपलोड करवाएं, लाभार्थी किसान अपना नाम सही दर्ज करवाएं, किसान भाई अपनी KYC समय रहते करा लें। योजना का लाभ लेने के लिए नए ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर ही रजिस्ट्रेशन कराएं। महाराष्ट्र कृषि विभाग ने कपास के किसानों को सलाह दी है कि वे हमेशा एक ही किस्म के बीज के पीछे ना भागें। बाकी भी कपास की किस्मों के बीज हैं, उन्हें भी बुवाई करके देखें। कपास के बीज के लिए इन दिनों कई जिलों में लंबी लाइन लग रही है। महाराष्ट्र के अकोला जिले सहित राज्य के कई हिस्सों में इस साल 15 दिन पहले ही कृषि केंद्रों पर बीजों की बिक्री शुरू कर दी गई है। फिर भी किसानों को उनके पसंदीदा कपास किस्म के बीजों के लिए घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ा है, जिसकी वजह से किसान काफी परेशान हैं, क्योंकि खरीफ मौसम में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। महाराष्ट्र में जहां एक तरफ कपास के बीज के लिए किसान परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर कई जिलों से नकली बीज बेचने की शिकायत भी सामने आ रही है। यवतमाल जिले में फर्जी बीजों की समस्या और बीज खरीदने पर दुकानदारों द्वारा ज्यादा पैसा लिए जाने की शिकायतों को देखते हुए कृषि विभाग ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। यह टोल फ्री नंबर 9403229991 है। अगर किसी किसान को नकली बीज मिला है तो वो इस नंबर पर शिकायत कर सकता है। ICAR के कृषि विज्ञान केंद्र के मुताबिक खरीफ सीजन में धान बुवाई के लिए किसानों को मौसम, मिट्टी, सिंचाई और उर्वरक पर खास ध्यान देना होगा, ताकि बम्पर पैदावार हासिल की जा सके। धान के पौधों को औसतन 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की ज़रूरत होती है, जबकि धान की खेती के लिए मटियार और डोमट मिट्टी सबसे मुफीद मानी जाती है। धान की फसल के लिए खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए और इसके बाद भी 2-3 जुताई कल्टीवेटर से करनी चाहिए। इसके बाद ही खेत तैयार होता है। अगर डोमट या मटियार मिट्टी हुई तो यह पौधे के विकास के लिए बढ़िया रहती है। कृषि एक्सपर्ट का कहना है कि 1 हेक्टेयर खेत में धान की रोपाई के लिए 30 से 35 किलोग्राम धान का बीज नर्सरी बनाने के लिए सही रहता है। ट्राइकोडर्मा का एक छिड़काव 10 दिन के अंदर पर पौधों पर कर देना चाहिए। बुवाई के 10 से 15 दिन बाद पौधों पर कीटनाशक और फफूंदी नाशक का छिड़काव करना चाहिए, ताकि कोई कीट या रोग ना लग सके। पौध वाले खेत में कड़ी धूप होने पर पानी नहीं रखना चाहिए। खेत से पानी को तुरंत निकाल देना चाहिए। पानी बने रहने से पौध में सड़न पैदा हो सकती है, जो रोपाई योग्य नहीं रहेगी और किसान को नुकसान उठाना पड़ सकता है। खेत में सिंचाई दोपहर के बाद करनी चाहिए, ताकि रात भर में खेत पानी को सोख जाए। 1 हेक्टेयर पौध नर्सरी से 15 हेक्टेयर की रोपाई की जा सकती है।
देश के 150 जिलों में PPR खुरपका मुंहपका बीमारी पशुओं पर अटैक कर सकती है। एक्सपर्ट का कहना है कि जहां भी PPR, FMD, लंपी, एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर बीमारी का अटैक होने का अलर्ट जारी किया गया है, वहां पशुपालकों को चाहिए कि पशुओं को सभी जरूरी टीके लगवा लें। साथ ही पशुओं को गर्मी से बचाने समेत उनके आसपास साफ सफाई के सभी इंतजाम पूरे कर लें। एक रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में PPR का 20 और FMD का 17 जिलों पर असर देखने को मिल सकता है। FMD की बात करें तो बोकारो, दुमका, गुमला, हजारीबाग, कोडरमा, पाकुड़, कुंती, रामगढ़ और रांची आदि वेरी हाई रिस्क पर हैं। बिहार में सामान्य वर्ग के किसान को मधुमक्खी पालन इकाई स्थापित करने के लिए पूरी लागत पर 75% अनुदान दिया जा रहा है। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के मधुमक्खी पालकों को 90% अनुदान मिल रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बिहार में शहद उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों को सब्सिडी देकर उनको आत्मनिर्भर बनाना है। योजना का लाभ लेने के लिए बिहार उद्यान निदेशालय की वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in जाकर बिहार मधुमक्खी पालन सब्सिडी योजना के लिंक पर अप्लाई कर सकते हैं।